Yes, hello everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, so आज हम लोग economics, right? हम लोगों ने last lecture में international trade related plus हम लोगों ने Adam Smith की theory पढ़ी थी, right? So international trade क्यों किया जाता है और उसके importance पढ़े थे हम लोगों ने कि क्या क्या benefits होते हैं international trade की वजह से. और अभी हम लोगों को आना है, आज पढ़ना है अपने को रिकार्डो की थियोरी, राइट? सो रिकार्डो की थियोरी है रिकार्डोस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियोरी. यहाँ पे क्या बताया है, कॉस्ट एडवांटेज थियोरी. सो एडम स्मिथ ने जो थियोरी दी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, और जैसे बताया था कि भाई फ्री ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे भी कुछ चीजें सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस भी है यहाँ पे. बट रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियोरी बहुत ज्यादा चर्चा में थी, और उसको इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स दूसरे ने भी, इकोनॉमिस्ट ने भी मॉडिफाई किया, थोड़े बहुत चेंजेस टाइम बाय टाइम लेकर आए. सो इस पर्टिकुलर थियोरी में भी हम लोग प्रॉपर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है, अजम्पशंस भी काफी अच्छे लेवल पे दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन, देन आपको टेबल फॉर्म बताया हुआ है इसका, और कॉस्ट कि भाई कॉस्ट एडवांटेज किस तरीके से होगा वो चीज बताई है, इसका ग्राफ और इसके एनालिसिस. ठीक है, सो ये थियोरी आपसे सबसे आईएमपी थियोरी इस चैप्टर की. जनरली हर एक एग्जाम में रिकार्डो की थियोरी ही पूछी जाती है मोस्ट अप्रोप्रिएटली. हाँ, सो बहुत अच्छे से पढ़नी है ये वाली थियोरी. सो बेसिक मैं शुरुआत करूंगी, है ना. रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियोरी बनाई कब, 1817 में. कब बनाई, 1817 में यह थियोरी बनाई. ठीक है, पहले तो चीज आपको ये लिखनी है. देन डेविड रिकार्डो पूरा नाम है, हाँ, इस इनका, और आप लोगों ने शायद सुना भी हो नाम वगैरह. एडम स्मिथ का तो आपने जनरली सुना ही होगा, बट रिकार्डो आई थिंक सो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो नाम, ये इकोनॉमिक्स का. तो यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. ठीक है, पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक के ऊपर बात की है और टैक्सेशन रिलेटेड ही बात की है उन्होंने अपने बुक में, और ये भी डिस्कस किया है इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड. तो यहाँ पे भी कुछ चीजें सिमिलरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ से सिमिलर है, बट एडम स्मिथ से काफी अच्छी थियोरी है. यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, डेविड रिकार्डो ने चेंजेस कुछ बताए हैं कि भाई जो चीजें कंसीडर्ड एडम स्मिथ ने नहीं की थी वो चीजें डेविड रिकार्डो ने कंसीडर्ड की है. और एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी थी, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीटली हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली. कंपैरेटिवली मींस पर्टिकुलर दो कमोडिटीज में हम लोगों को कंपैरिजन करना है. रिलेटिवली थ्योरी भी हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिवली एडवांटेज थ्योरी ऐसा भी बोला जाता है इसको, तो कंपैरेटिव बोलो या फिर रिलेटिव बोलो. तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को मॉडिफाई किया जेएस मिल ने, केयरनेस ने, बेस्टेबल ने, टॉसिक एंड हैबलर. सो इन इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरी में थोड़ा 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 टाइम बाय टाइम मॉडिफिकेशन ले आए. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन. ऑफ कोर्स वही चीज आ जाएगी यहाँ पे बेसिक कि भाई हर कंट्री किसी ना किसी आइटम्स में स्पेशलाइज तो होती ही है, राइट? सो दैट इज शी शुड एक्सपोर्ट दोज गुड्स इन विच शी हैज अ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज. भाई क्या करना चाहिए, अगर जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है जिस पर्टिकुलर गुड्स में, जैसे एग्जाम्पल आपको ले लूं मैं, तो चाइना टीवीज भी बना रहा है और फोन्स भी बना रहा है. ठीक है, ये दोनों चीजों में एक्सपर्ट है. यहाँ पे दो कमोडिटीज आ जा रहे हैं कि दोनों में एक्सपर्ट है. फॉर एग्जाम्पल आप जापान भी ले सकते हो या चाइना भी ले सकते हो, दोनों आप ले सकते हो. तो ये दोनों चीजों में अच्छा है, लेकिन उसको इन दोनों में से जो भी, मैं टीवी बोल रही हूँ भाई, 10 टीवी बना रहा है और 10 स्मार्टफोन्स बना रहा है ऐसा समझो,
लेकिन उसको ग्रेटर एडवांटेज कि भाई कॉस्ट कम पड़ रही है और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, राइट? सो है दोनों चीज में अच्छा, लेबर जो एफिशिएंसी है वो दोनों में ही अच्छे है भाई, लेकिन तो भी हम लोग देखेंगे अभी इन दो प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा है, ठीक है? तो जिसमें ज्यादा फायदा है वो एक्सपोर्ट करे, जिसमें कम फायदा है या मतलब कम नुकसान है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जिसमें कम नुकसान है तो वो इम्पोर्ट करे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कंपैरेटिव एडवांटेज, हमारा कॉस्ट एडवांटेज थियोरी, मतलब दो प्रोडक्ट्स में भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है? और ऐसा देखा जाता है कि ग्रेटर एडवांटेज और लीस्ट डिसएडवांटेज, ये दोनों चीजें दिमाग के अंदर रखना। क्या बोल रही हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा, कम से कम नुकसान, ऐसी चीज देखी जाती है यहाँ, समझे? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? एनीवन? चलो, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो जिस भी कंट्री का अगर ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करे, और इंपोर्ट कौन से करने चाहिए? इंपोर्ट दोज गुड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच शी हैज अ ग्रेटर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, ठीक है? सो इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डो स्टेटेड दैट द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी टेल्स अस व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जेएस मिल स्टेटेड दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड और प्राइसेस वर डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। सो पीछे आपको है ना सेकेंड यूनिट के अंदर रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी दी हुई है जेएस मिल के अकॉर्डिंग, तो हम लोग वो रेसिप्रोकल वाली डिमांड की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या है, किस तरीके से है, ठीक है? जो भी प्राइजेस यहाँ पे लिए ना वो उसके अकॉर्डिंग लिए हुए, जस्ट वो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि जेएस मिल की जो रेसिप्रोकल के डिमांड की थ्योरी है। यूनिट टू में एक मार्शल की थ्योरी और एक जेएस मिल की थ्योरी है, दैट्स इट, बस और ज्यादा कोई थ्योरीज नहीं है और फैक्टर्स है, एक तीन क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है यूनिट टू के अंदर से। तो देखो डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे, आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली इजी डेफिनेशन है इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड्स, है ना? ये वाली डेफिनेशन इजी वाली है कि द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट लेज डाउन दैट द कंट्रीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव रियल कॉस्ट एडवांटेज और लीस्ट डिसएडवांटेज, कम से कम नुकसान है और ज्यादा से ज्यादा फायदा है भाई, ऐसे गुड्स के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहिए, वही चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए, और जिसमें उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है वो चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला है। सो एक्सपोर्टिंग देम एंड इम्पोर्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर विच दे हैव लीस्ट एडवांटेज, भाई जिसमें कम फायदा है, ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है भाई, कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं भाई। जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जांपल बताया कि चाइना 10 स्मार्टफोन बना रहा है और 10 टीवी बना रहा है, तो अगर उसको स्मार्टफोन्स में से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट करे, राइट? और टीवीज में उसको कम फायदा मिल रहा है तो वो बाहर से इम्पोर्ट कर ले, ऐसा बताया है इस थियोरी के अंदर, जनरली। सो ये एडवर्ड्स की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड्स वाली डेफिनेशन है ना, वो बहुत अच्छी है, तो आप वही प्रेफर करो, एक ही डेफिनेशन लिखना, साथ साथ लिखो, सब सब लिखोगे ना तो ऐसा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट? जैसे मैं खुद का एग्जांपल भी यहाँ पे बता सकती हूँ कि मैं आपके दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स भी, मैनेजमेंट भी, राइट? बट मेरा जनरली जो मोस्टली स्पेशलाइजेशन जो चीज आती है वो आती है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर चीज क्या होगी? इकोनॉमिक्स होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी, ठीक है? किसी ना किसी में देखो दोनों चीजें आप बैलेंस नहीं कर सकते हो, किसी एक चीज में तो आप एक्सपर्ट होंगे ही होंगे, राइट? तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से ज्यादा फायदा मिल रहा है, सब चीजें हो रही है, तो प्लीज वही पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसा। और अगर मैनेजमेंट में से इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको कम कर दो, ठीक है? ऐसी चीज होती है जनरली, जो मैं सर्विस का भी एग्जाम्पल बता रही हूँ इसके रिलेटेड, सिर्फ गुड्स रिलेटेड क्यों बताऊं? देखो यहाँ पे दूसरी भी डेफिनेशंस है, बट वो डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है, तो मैं उससे जाना चाहूंगी हम वो वाली डेफिनेशन। फिर आपके अजम्पशन आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देर आर ओनली टू काउ ड्राइस, मतलब एज अ मेन्योर के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, यू नो
काउ डंग वगैरह सब कुछ यूज करते हैं, तो वो टू काउ ड्राइज है एंड दे प्रोड्यूस टू गुड्स, दो गुड्स ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और कोई नहीं है। आपकी बुक ओपन है ना सबकी, नहीं तो मैं लिखती जाऊं। ओपन रखी है आपने बुक्स? यस मैम। देखो इसका पैटर्न कैसा लिखना है। सबसे पहले हम लोग ये थियोरी लिखने का तरीका बता रहे हो एग्जाम में, इंट्रोडक्शन इसका, जनरल इंट्रोडक्शन, फिर हम लोगों को इसकी मीनिंग, एक ही मीनिंग, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आ जाएंगे हम लोग अजम्पशंस, ठीक है, इसके जो भी अजम्पशंस है जितने भी। फिर बोला है लेबर इज ओनली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है भाई, ऐसा समझ के चलना है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट्स, और हम लोग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं लेबर यूनिट्स में, कि भाई एक लेबर कितने यूनिट्स बना रहा है, ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो रहा है। ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजेनियस, भाई सब चीजें कर सकते हैं, स्किल्ड है भाई लेबर्स जितने भी है यहाँ पे हम। फिर प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न, सो प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है कि भाई उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा ही आएगा, ये चीज मानी जा रही है। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, हाँ जो भी फैक्टर मतलब लेबर है ना वो विद इन द कंट्री इधर से उधर मूव हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट हो सकता है, लेकिन बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन टू कंट्रीज, वो दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता, ये चीज बताइए यहाँ पे, ऐसा हम लोगों को मानकर चलना है। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्री ट्रेडिंग ही हो रहा है ऐसा समझो। डिमांड फॉर द गुड्स इज कॉन्स्टेंट, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, उतनी की उतनी है डिमांड मार्केट में। इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल्स, मतलब मैंने आपको बोल दिया फ्री ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। फुल एम्प्लॉयमेंट है, सब लोग रोजगार है भाई यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं, जबकि ऐसा रियल सिचुएशन ऐसा होता ही नहीं है। एंड देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोथ बोथ इन द गुड्स मार्केट एंड द फैक्टर मार्केट, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा याद दिलवाया जाए, या अगर नहीं पता है तो अच्छे से याद दिलवाऊंगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, जनरली देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है वही, मतलब जितने भी सेलर्स है सब लोग सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं और सिमिलर प्राइस पे ही बेच रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है दोनों मार्केट्स में, चाहे गुड्स मार्केट हो चाहे फैक्टर मार्केट हो, मतलब लेबर में भी वही है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको कि अकॉर्डिंग टू रिकार्डो कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट इज द सोल कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सो डिफरेंस तो आ ही जाता है ना यार अगर हम लोग कंपैरिजन करने बैठे हैं या क्या कुछ भी। सो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट मींस दैट द कंट्री इज इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है एट लेस कॉस्ट, ठीक है, देन द अदर कंट्री। जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूँ कि कंपेयर टू जापान, जो चाइना है वो स्मार्टफोन 10 स्मार्टफोन भी कम कॉस्ट में बना सकती है और टीवी भी कम कॉस्ट में बना सकती है, लेकिन अभी हम लोगों को वो प्रोडक्ट्स में कंपेयर करना है, ना कि किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन करना है। यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज में ये चीज बताई है, एडम स्मिथ में क्या होता था, दो कंट्रीज में कंपैरिजन होता था कि भाई उधर राइस अच्छा है, वीट जापान का अच्छा है, इंडिया का राइस अच्छा है या क्या, तो इस तरीके से कंपैरिजन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चाइना जो है वो दूसरे कंट्री से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो लेस कॉस्ट में ही बना रही है, लेकिन फिर प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, उसका प्रोडक्शन करो ऐसा बोल रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करो, वो प्रोडक्शन करके स्मार्टफोन्स में अगर चाइना अच्छी है उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एक्सपोर्ट करे और उसी का प्रोडक्शन करे, ठीक है, ऐसी चीज बताई जा रही है यहाँ पे। सो येट इट हैज अ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द टू गुड्स, राइट, सो व्हाइल इट हैज अ लेस कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको ये चीज मेरी भी बताई आपको कि मैं दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करूं तो मैं दोनों चीज में अच्छी हूँ भाई, इकोनॉमिक्स में भी अच्छी हूँ और मैनेजमेंट में भी अच्छी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट रिलेटेड कंपैरिजन करूं तो मैं इकोनॉमिक्स में अच्छी हूँ, ऐसी चीज बता रहे हैं यहाँ पे, समझे।
तो यहाँ पे इवन नीचे दूसरे भी एग्जाम्पल्स काफी बताए हैं, सो काफी इंटरेस्टिंग थियोरी है ये. सो द अदर, एक मिनट, द अदर कंट्री प्रोड्यूसेस बोथ द गुड्स एट द हायर कॉस्ट बट इट हैज अ लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जापान है वो भी स्मार्टफोन्स बना रहा है, टेलीविजन बना रहा है, ठीक है. अब दूसरे कंट्री क्या हो रही है, हायर कॉस्ट पे बना रहा है. लेकिन अब दूसरी कंट्री जो जापान है वो क्या देखेगा कि कम से कम नुकसान किसमें नहीं हो रहा है भाई, कम से कम नुकसान होना चाहिए. ऐसा देखो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, चाइना और जापान, ठीक है. चाइना भी क्या कर रहा है, 10 स्मार्टफोन्स बना रहा है और 10 टीवी बना रहा है. जापान भी क्या कर रहा है, 10 स्मार्टफोन्स और 10 टीवी बना रहा है, ठीक है. अब ये जो बन रहा है वो लो कॉस्ट में बन रहा है और ये जो बन रहा है वो हाई कॉस्ट में बन रहा है, ठीक है. लेकिन जापान ऐसा थोड़ी कि सब दोनों ही चीजें बाहर से ही मंगवाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. उसको क्या करना पड़ेगा, एक खुद के कंट्री में प्रोडक्शन करना पड़ेगा और एक चीज बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी ये लो कॉस्ट पे, ये हाई कॉस्ट पे है, राइट. सो अभी इन दोनों के बीच में कंपेरिजन होगा कि भाई स्मार्टफोन से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या टीवी से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. अगर मैं बोलूँ कि स्मार्टफोन से हाई प्रॉफिट है, ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, चाइना किसका प्रोडक्शन करेगा, स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन करेगा और टीवी को क्या कर देगा, इंपोर्ट करेगा, समझे. और जापान में क्या हो रहा है, जापान में टीवी जो है उसमें कम से कम नुकसान हो रहा है, लॉस जो हो रहा है उसको, क्योंकि हायर कॉस्ट तो है भाई, नुकसान जो हो रहा है. अगर इन दोनों का कंपेरिजन करें तो स्मार्टफोन में जापान को ज्यादा नुकसान हो रहा है और टीवी में उसको कम नुकसान हो रहा है. तो वो क्या करेगा, टीवी का प्रोडक्शन करेगा और स्मार्टफोन्स को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, समझे. आ रही है बात समझ में, क्या बोल रही हूं मैं, यस और नो, टेल मी, समझ में आ रहा है. यस मैम. मैंने जस्ट दो कंट्रीज के एग्जांपल, दो गुड्स और ये लिया है, ये लो कॉस्ट और ये हाई कॉस्ट. लेकिन जापान देख रहा है भाई कोई कम से कम नुकसान कौन से में हो रहा है भाई, वो मेरे को देखना है. और ये क्या देखेगा, ज्यादा ज्यादा फायदा किस में हो रहा है, ऐसा. ये है रिकार्डो की थियोरी. ऐसा तो नहीं है कि भाई जापान दोनों चीजें ही भाई इंपोर्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैं इधर सीधा एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लीडिंग प्रैक्टिसिंग लॉयर इन अंबाला हु इज अ प्रोफिशिएंट टाइपिस्ट, राइट. क्या लिख रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देयर इज अ लीडिंग प्रैक्टिसिंग लॉयर इन अंबाला हु इज आल्सो अ प्रोफिशिएंट टाइपिस्ट. लॉयर भी है और अच्छी टाइपिस्ट भी है. फॉर एग्जाम्पल हिज क्लर्क आल्सो नोज टाइपिंग बट नथिंग अबाउट द लीगल प्रैक्टिस. देखो एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे बताया है कि एक जना है, ठीक है, तो हम बना देते एक जना कोई भी. तो ये हमारा एक जना है, ठीक है, ये है एडवोकेट, ठीक है, ये क्या है, एडवोकेट है. इसको सारी सब चीजें पता है, लीगल प्रैक्टिसेस वगैरह सब कुछ पता है. प्लस ये बहुत अच्छा टाइपिस्ट भी है, ये क्या है, बहुत अच्छा टाइपिस्ट भी है, राइट. अभी दूसरा आ जाता है, इसकी जो क्लर्क है, ये क्लर्क है इसकी, ठीक है. अब वो क्या करती है, वो तो सिर्फ किसमें अच्छी है, वो तो सिर्फ टाइपिंग में ही अच्छी है. वो किसमें अच्छी है, सिर्फ टाइपिंग में ही अच्छी है. अब मेरे को बताओ ये जो पर्टिकुलर मिस्टर एक्स है वो क्या करेगा, वो लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेगा कि टाइपिंग कंटिन्यू करेगा, बताओ. उसको ग्रेटर एडवांटेज किसमें है, लीगल प्रैक्टिस, टाइपिस्ट में कि एडवोकेट, अगर वो कंटिन्यू रखेगा तो एडवोकेट. तो ये क्या करेगा, इसको क्या है, ग्रेटर एडवांटेज, ठीक है. और इसका ग्रेटर एडवांटेज क्या है, क्लर्क का टाइपिंग,
समझे? तो इस तरीके से काम किया जाएगा ना, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि जिसमें ज्यादा फायदा हो वो अपने को काम करना है। ऐसे तो प्रोफेशन टाइपिस्ट चाहिए, चाहे तो दोनों काम एक साथ कर सकता है वो, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो दोनों काम एक साथ करेगा कि भाई वो लीगल प्रैक्टिस भी खुद ही कर रहा है, मतलब एडवोकेसी का भी पूरा काम वो खुद हैंडल आउट कर रहा है और टाइपिंग भी वो खुद ही कर रहा है, तो एक मोमेंट पे आके क्या हो जाएगा, वो तंग हो जाएगा कि यार फ्रस्ट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि यार मैं ही सब काम करूं, बाकी मैंने क्लर्क क्यों रखी है, समझ रहे हो? सो क्लर्क रखिए तो क्लर्क को सारा काम दो, सारी टाइपिंग रिलेटेड सब चीजें, और खुद इसमें कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? सो ये जनरली यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है। ऑल्दो द सेड लॉयर इज कॉम्पिटेंट इन बोथ, लिखा है ना कि दोनों में है, दोनों जॉब्स में, एडवोकेट रिलेटेड भी जॉब उसकी अच्छी है और टाइपिस्ट रिलेटेड भी वो अच्छे से काम कर सकता है, येट ही विल गेन कंपैरेटिवली मोर इफ ही डिवोट्स ऑल हिज टाइम टू लीगल प्रैक्टिस। अगर वो पूरा का पूरा अपना टाइम लीगल प्रैक्टिस में देगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, सीधी सी बात है। एंड ऑन द अदर हैंड द क्लर्क इज लेस कैपेबल देन द लॉयर, सीधी सी बात है ना, ये तो क्लर्क इससे तो कम ही कैपेबल होगी क्योंकि वो एडवोकेट है, पर ये एडवोकेट नहीं है, ये क्लर्क है। सो क्या लिखा है, स्टिल इन टाइपिंग जॉब हिज कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इज लीस्ट, क्योंकि अगर वो टाइपिंग करने बैठेगा तो नुकसान नहीं होगा उसको, ऐसा नहीं है कि भाई उसको नुकसान होगा या क्या, वो प्रोफेशन टाइपिस्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली ज्यादा एडवांटेज किस में हो रहा है उसको, लीगल प्रैक्टिस में, एडवोकेट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ द लॉयर कन्फाइंस हिमसेल्फ, खुद को उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई अब मैं ना पूरा टाइम क्या करूंगा, लीगल प्रैक्टिस ही करूंगा, मैं टाइपिस्ट रिलेटेड कॉन्सेंट्रेट इतना ज्यादा नहीं करूंगा, लीगल प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट, और उसने क्या किया, उसने टाइपिंग का जितना भी काम है वो विश्वास के साथ किसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है? टाइपिंग जॉब टू हिज क्लर्क, सो ही विल एंजॉय ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है? सो बेस्टेबल हैज एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन बताइए कि अ डॉक्टर कैन बी मोर स्किल्ड इन गार्डनिंग देन हिज गार्डनर, आपको बताओ डॉक्टर भी है लेकिन ऐसा होता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ये क्या बोलते हैं डॉक्टर सिर्फ डॉक्टरी करेगा, कभी कभार उनकी हॉबीज भी होती है जिनमें बहुत अच्छे होते हैं वो, जैसे अपने गार्डनर से भी अच्छी गार्डनिंग करता है, लेकिन क्या वो डॉक्टर गार्डनिंग करेगा अभी बैठ के, उसको तो क्या है, करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता है, वही संडे संडे चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पर्टिकुलरली उसको ग्रेटर एडवांटेज किसमें है, अपनी डॉक्टरी में, भाई गार्डनिंग करने बैठेगा क्या, गार्डनर थोड़ी है वो, भले वो गार्डनर से अच्छा करता है, तो यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इफ ही डज नॉट डिवोट ऑल हिज टाइम टू मेडिकल प्रैक्टिस इन व्हिच ही इज मोर एफिशिएंट ही विल बी अ लूजर, सीधी सी बात है, इतनी पढ़ाई क्यों की भाई जब गार्डनिंग ही करनी थी, तो ही विल गेन ओनली इफ ही डिवोट्स ऑल हिज टाइम टू डॉक्टरी, पूरा टाइम अपना मेडिकल सर्विसेज में, मेडिकल प्रैक्टिस में देगा तो ही वो आगे चल के कमा पाएगा ना। सो सिमिलरली उसी तरीके से वन कंट्री कैन प्रोड्यूस एवरी कमोडिटी एट चीपर कॉस्ट, जैसे इंडिया बनाना चाहे तो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता है, सब चीजें कर सकता है चाहे तो, लेकिन उसको क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसको ऐसा नहीं है कि वो बना रहा है बट उसको हायर कॉस्ट पड़ जा रही है, समझे? बनाना चाहे तो बना सकता है, बहुत कुछ बना सकता है इंडिया भी, बट उसको क्या हो रहा है, हायर कॉस्ट पड़ जा रही है, इसी वजह से क्या करते हैं, कंट्री इंपोर्ट कर देती है उसी चीज को, क्योंकि रिसोर्सेस तो है और लेबर चाहे, आजकल तो देखो ग्लोबलाइजेशन है और फ्री ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर सकते, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। सो यहाँ पे वही चीज बताई है आपको कि सिमिलरली वन कंट्री कैन प्रोड्यूस एवरी कमोडिटी एट द चीपर कॉस्ट देन अदर कंट्री, नॉनदीलेस इट विल बी टू इट्स मैक्सिमम एडवांटेज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड इन विच इट एंजॉयज ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा है, तो उसने उसी पे फोकस किया ना, तभी आज डेवलप है। लेकिन इंडिया, इंडिया को सब चाहिए भाई, इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए, इंडिया को एज अ एग्रियन नेशन भी कहा जाता है, और इंडिया का जीडीपी तो सर्विस सेक्टर में ही बढ़ रहा है,
बताओ ऐसा कैसे, सब चीजें सब लड्डू एक साथ तो मिलने वाले नहीं है भाई। जिस चीज में तुम अच्छे हो तुम वो काम करो ना। मुझे पता है कि तुम इंडस्ट्रियल गुड्स भी बनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम जिस चीज में परफेक्ट हो, एकदम अच्छे हो, जिसमें ज्यादा एडवांटेज हो रहा है, तुम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। क्यों कर रहे हो दूसरी सारी चीजें? नहीं, सब लड्डू एक साथ खाने बैठेंगे तो हमको तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो इंडिया तभी तो पीछे है इस वजह से इन सब चीजों में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको टेबल बनाई हुई है, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। हम लोग टेबल यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। ओके, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, यहाँ पे वन डेज प्रोडक्शन ऑफ वन लेबर, एक लेबर एक दिन में कितना प्रोडक्शन करता है वो बताया हुआ है। दो कंट्री दी हुई है, इंडिया नेपाल। प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड कितना है, प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड कितना है, वो चीज यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ, ये आ गया भाई इंडिया और ये आ गया नेपाल, ठीक है। और वन डेज प्रोडक्शन वन लेबर, ठीक है। इस चीज को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ देती हूँ। ओके, देखो क्या लिखा है, बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, जब अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है तो, राइस बीट और यहाँ पे इंडिया नेपाल, ये थियोरी काफी अच्छी हो। 10, 10, 4, 8, देखो क्या किया है यहाँ पे। अब इंडिया राइस भी 10 बना सकता है, वीट भी 10 बना सकता है, अब क्या करें? द थिंग इज दैट अब नेपाल क्या कर रहा है, 4 राइस बना सकता है, 8, मतलब यहाँ पे जो नेपाल में एक लेबर है वो एक दिन में 4 यूनिट्स राइस बना सकता है, 8 यूनिट्स वीट बना सकता है। अब मेरे को बताओ नेपाल को क्या करना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? वीट। वीट। और इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया तो दोनों चीज में अच्छा है, इंडिया क्या करेगा, राइस कर देगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं भाई आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, तो राइस वीट, ठीक है। अब क्या होगा, डबल हो जाएगी सीधी सीधी क्वांटिटी, अगर सिर्फ और सिर्फ राइस बनाएंगे तो, है ना, डबल क्वांटिटी हो जाएगी ना। पहले क्या कर रहे थे, एक लेबर 10 वीट बना रहा था, 10 राइस बना रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ राइस ही बना रहा है, तो ये 20 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, 8 की जगह पे क्या करेगा, 16 बना सकेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस कितना आया, देखो राइस में आपको चेंज देखने को मिल रहा है 10 और वीट में आपको चेंज देखने को मिल रहा है 8, बस ये चीज जस्ट बताइए। अब ये टेबल का इतना ज्यादा काम नहीं है, अब हम लोग आएंगे कॉस्ट रेशियो पे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया नेपाल का कॉस्ट रेशियो निकालेंगे राइस का, फिर कॉस्ट रेशियो निकालेंगे वीट का। तो मेरे को बताना, उससे पता चलेगा ना अपने को, ऐसे तो हम लोगों ने जनरली बता दिया और इंडिया दोनों चीज में अच्छा है, तो इंडिया क्या करे, दोनों चीजें बनाए, ऐसा नहीं है। हम लोग कॉस्ट रेशियो निकालेंगे, देखो कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस, ठीक है, इक्वल्स टू पहले इंडिया फिर नेपाल, इंडिया का और ये नेपाल का। सो यहाँ पे 10 / 4 इक्वल्स टू 2.5, ओके। और यहाँ पे आ जाते हैं कॉस्ट रेशियो ऑफ वीट इक्वल्स टू इंडिया अपॉन, मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों ने इंडिया को ऊपर रखा है और नीचे नेपाल। तो ये 10 / 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली 1.25। अब बताओ इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हम लोगों ने तो ऐसे ही बता दिया क्योंकि मैंने आपको नीचे से बताया कि नीचे से नेपाल से हम लोगों को ऐसे पता चल सकता है कि हम क्या करेंगे।
तो कॉस्ट रेशियो क्या आया, ये 2.5 ज्यादा आया ना, मतलब अगर राइस बनाएगा तो इंडिया को ग्रेटर एडवांटेज है किसमें, राइस में, ठीक है, तो इंडिया ये बनाएगा। अब अगर हम लोग देखें नेपाल का, देखें हम लोग कॉस्ट रेशियो, सो यहाँ पे है नेपाल और इंडिया, 4/10 हमारा क्या आएगा आंसर, 0.4, ठीक है। और कॉस्ट रेशियो, एक मिनट ये लिखूं, कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस, कॉस्ट रेशियो ऑफ वीट, N/I, 8/10, सो 0.8। अब ये रेशियो से हम लोगों ने डिसीशन लिया कि नेपाल क्या प्रोड्यूस करेगा और इंडिया क्या प्रोड्यूस करेगा। तो नेपाल को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वीट प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव ग्रेटर एडवांटेज किसमें है उसको, वीट में है ना। सो ये हम लोगों को कैलकुलेशन यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। आया समझ में, बहुत इजी है एकदम पानी का, क्योंकि इसका रेशियो आपने निकाला जाए तो ये 1:1 है, और इसका रेशियो निकाला जाए तो ये 1:2 है ना, ये ऐसी चीज है। तो समझ में आई हर किसी को ये वाली जो टेबल है, एवरीवन क्लियर? यस ओके, यस मैम। फिर आपको क्या करना है, बस सीधा आप देखो एक्सप्लेनेशन देना है, और देखो इसमें क्या लिखा है, एज पर दिस टेबल इन इंडिया 1 unit ऑफ राइस इक्वल्स टू 1 unit ऑफ वीट, और नेपाल में क्या है, 1 unit ऑफ राइस इक्वल्स टू 2 units ऑफ वीट। तो सीधी सी बात है कि हम लोग नेपाल में क्या प्रोड्यूस करेंगे, वीट प्रोड्यूस करेंगे, लेबर तो डबल प्रोड्यूस कर सकता है वीट तो, और इंडिया में क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखो पहले क्या किया, इंडिया नेपाल का कंपैरिजन किया, ठीक है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा चीज होता है इसके अंदर, ये थ्योरी के अंदर। ओके, फिर हम बना देंगे क्या, सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा हमारा, जैसे हम लोगों ने उसमें बनाया था एडम स्मिथ में भी। ये y एक्सिस, ये 0, ये x एक्सिस, यहाँ पे लेंगे वीट, यहाँ पे लेंगे राइस, ठीक है, क्योंकि राइस को ही हम लोग 1:1 दिख रहे हैं ना, 1:1 और ये 1:2, तो हम लोग राइस लेंगे यहाँ पे, जैसे मैं 0.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.5, यहाँ पे 1.5 और ये 2, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या करेंगे, इंडिया का, इंडिया का है 1:1, ये इंडिया आ गया भैया हमारा, ठीक है, हम लोग लिखेंगे इधर इंडिया, और नेपाल का है 1:2, ये आ गया भाई 1:2, ये आ गया हमारा नेपाल का, ठीक है, दिस इज द पार्ट। हो गई थियरी खत्म, बस समझाना तो वही था, और इसी खाली ये ग्राफ को ना थोड़ा एनालिसिस बस लिख देना है कि इट इज क्लियर दैट इंडिया हैज अ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड नेपाल हैज अ लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, उसको कम से कम नुकसान किसमें है, वीट में है, इस वजह से नेपाल वीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, बस ऐसा हम लोगों को एनालिसिस थोड़ा लिख के खत्म कर देने की तैयारी हो गई, खत्म। तो मैंने आपको बताया ना इंट्रोडक्शन, मीनिंग, अजम्पशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, आपको है ना वो मैंने चाइना वाला एग्जांपल बताया, वो आप लिख सकते हो, स्मार्टफोन्स वाला, और उसका थोड़ा लिखते जाने का अपने को थियोरिटिकल, और या तो फिर आपको वो लॉयर वाला एग्जांपल लिखना है, डॉक्टर वाला एग्जांपल लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो, फिर आप टेबल दिखा दो, ठीक है, कोई भी ले आओ, इधर 20-20 भी ले आओगे तो कोई वांदा नहीं है, आप अपने मर्जी से फिगर ले सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई यही फिगर आएगी, और 1:1 ले आना, 1:2 ले आना, बस इस तरीके से याद रखना थोड़ा, और फिर अपने को कॉस्ट निकालना है कि भाई पहले इंडिया का अपने देखे कि इंडिया को ग्रेटर एडवांटेज किसमें हो रहा है और नेपाल को कम से कम नुकसान किसमें हो रहा है, वो हम लोग देखे, और फिर बस ये टेबल अपने ने की, ये हम लोगों ने कॉस्ट रेशियोज निकाले, उसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम बना दिया और थोड़ा एनालिसिस लिख दिया, हो गई खत्म थियोरी, हो गई, ठीक है, पूरी मार्क्स आपको, फुल आउट ऑफ फुल, क्लियर एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आई हो थियोरी?
एडम स्मिथ से अलग है, हम एडम स्मिथ से सेम नहीं है ये थ्योरी, सो कंफ्यूज नहीं होना. एडम स्मिथ के अंदर सिर्फ कंट्रीज का कंपैरिजन बताया है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज का कंपैरिजन तो है ही है, लेकिन प्रोडक्ट्स के बीच में भी कंपैरिजन है. ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज है इसमें.